विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा को लेकर हिसाब किताब लेने के बाद करने वाले भड़काऊ भाषण देने के मामले में गैंगस्टर मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी पर पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। इस मामले में पुलिस ने अपनी जान की अदाएं को आगे बढ़ा दिया है। अब मां के खिलाफ कुछ और धाराएं भी लगाई गई है। रिपोर्ट के मुताबिक अब्बास अंसारी मऊ की सदर सीट से सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे। 3 मार्च 2022 को पहाड़पुरा मैदान में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा था कि अखिलेश यादव से उनकी बात हो गई है। चुनाव जीते ही अगले 6 महीनों के लिए सभी अधिकारियों का ट्रांसफर रोककर सभी के साथ हिसाब किताब किया। इस घटना के बाद अब्बास अंसारी पर एक्शन लेती भी चुनाव आयोग ने 24 घंटों के लिए उनके चुनाव प्रचार पर रोक लगा दी, बल्कि उनके खिलाफ एक सिक्का तेज और इंडियन पीनल कोड की धारा 506 के तहत केस दर्ज किया गया था।